Assalamualaikum. Welcome to yet another episode of Gup Shup. My name is Yunus Khan and I'm your host. और मैं हूँ आपकी अपनी फेवरेट अनम गौहर। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ डॉक्टर राफिया। और आज हमारे साथ हमारी गेस्ट होस्ट मौजूद हैं सना कादिर। अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ सना कादिर। एज यूजुअल जैसे डॉक्टर राफिया ने इंट्रोड्यूस करवा ही दिया। सो आज हमारा टॉपिक क्या है? वैसे आज हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं सना। अभी तो आप आई हैं, अभी तो पता चलेगा कि हमारे शो में क्या क्या होता है। वैसे हमारे शो में यूजली जो आज पहली बार देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूँ, हम जो जनरल डिस्कशन करते हैं जो कुछ हो रहा है दुनिया में, करंट अफेयर भी और अदर टॉपिक्स एज वेल, और उस पर एक ओपिनियन होता है हम सबका, अपना अपना ओपिनियन होता है। बीइंग अ वुमन, बीइंग अ मदर मेरा एक ओपिनियन होता है, बीइंग अ मॉडल, बीइंग अ गर्ल इसका एक ओपिनियन होता है, बीइंग अनम, अनम इटसेल्फ इज एन एंटिटी, इसलिए बीइंग अनम, अनम का अपना ओपिनियन होता है, और यूनुस का तो होता ही होता है। ठीक है। अच्छा, आज आपने राफिया जी नोट किया, आज अनम इतनी डिफरेंट लग रही हैं और इतनी प्यारी लग रही है। क्या लग रही है? आपने अगर स्ट्रीट फाइटर गेम खेली होगी ना, उसमें कैरेक्टर था चुनली। चुनली मैंने चुन लिया। हाँ जी, चुन मैंने चुन नहीं, सीरियसली आज बहुत प्यारी लग रही हैं, डिफरेंट। आप कह रही हैं रोज प्यारी नहीं लगती, लगती हैं, आज डिफरेंट लग रही हैं। माशाल्लाह। नहीं, इससे मेरा कुछ हुनर नहीं है, आपकी नजर का कमाल। क्या बात है, क्या बात है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। यस। अच्छा, थोड़ा सा हमें आज सना ने ज्वाइन किया, एंड कायनात वी आर टेरिबली मिसिंग यू बाय द वे। पर हमें आज सना ने ज्वाइन किया। सना, थोड़ा सा बताइए, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग, आप क्या करते आ रही हो और अभी आजकल क्या हो रहा है? एज यूजुअल जो आप लोग सब कर रहे हैं वही मैं भी करती हुई आ रही हूँ। हमारी आप अपना गपशप क्यों कर रही हैं? हाँ, ऐसे ही हमारी भी गपशप हर वक्त लगी हुई रहती है कि क्योंकि यहाँ पर तमाम तरी जो लोग हैं वो सारे अपनी अपनी फील्ड के मजे हुए खिलाड़ी यहाँ पर प्रेजेंट है और मज़ा आने वाला है। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज जो है वो आप लोगों के पास कौन से टॉपिक्स हैं, और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि जब मौका मिलता है ना अपनी राय देने का, फाइनली कहीं तो हमारी राय आजाद होगी। आई सीरियसली लव इट। बीइंग अ होस्ट हम लोग हमेशा अपने ओपिनियंस को हम सुन रहे रखना पड़ता है, लेकिन जब हम ओपिनियंस पे आते हैं तो हम एटली अपने पॉइंट ऑफ व्यू हम सिर्फ सुन रहे होते हैं, कभी हम अग्री करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन आज फाइनली मुझे मौका मिलेगा। लेकिन पता है शक्ल कैसे बनानी पड़ती है? जी जी, आपने ऐसे शक्ल बनानी पड़ती है। आज सबसे पहले बात करेंगे अनम। एज यूजुअल अनम क्या लाई हो? अच्छा, 2 किलो आलू लाइए, 3 किलो टमाटर लाइए, 2 किलो आलू, फ्रेंच फ्राइज बना देना। हाँ अच्छा, सिंस हम सब पेट्रियटिक और अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने मुल्क से रिलेटेड जो भी उन्होंने दूसरे ममालिक को, कंट्रीज़ को हेल्प किया है, तो मैं उस तरह के टॉपिक्स उजागर करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो कभी भी गुरेज नहीं करता है लोगों को हेल्प करने से, और उसने हमेशा बहादुरी, शुजाअत का दामन थामे रखा है। इसी तरीके का मैं आज एक टॉपिक लाई जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। ओके, पाकिस्तान और श्रीलंका के बेसिकली मैं थोड़ा सा स्टार्ट इस तरीके से लूँगी क्योंकि मैं अगर अभी ही बता दूँगी तो मेरे व्यूअर्स का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सो मैं लेयर बाय लेयर थोड़ा सा डिस्क्लोज करूँगी कि बेसिक एजेंडा ये टॉपिक लाने के पीछे क्या है। बेसिकली मोटो तो यही है, मैं अपने पाकिस्तान के बारे में बताना चाहती हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अच्छा, पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात जो हैं साउथ एशिया में रहने की वजह से बहुत ही क्लोज़ हैं। बेसिकली बहुत टाइम से श्रीलंका को एक अंदरूनी दुश्मन परेशान कर रहा था जो कि था लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स। इनका जो ग्रुप था ये 1976 में एक्टिव हुआ था श्रीलंका में, और ये लोग तब से अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और अगर देखा जाए हिस्ट्री में तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से ये एक वाहिद, मतलब उनमें से एक, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि अपने क्या कहते हैं उसको, वो काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड और अपने मुनज़्ज़म के लिए जानी जाती थी। स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी। एग्जैक्टली, क्योंकि टेररिस्ट यू नो एक दहशतगर्दों का ग्रुप था, वो भी डिसिप्लिन टेररिस्ट, डिसिप्लिन टेररिस्ट, वेल ऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि ये लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था इनका, जिससे लोग काफ़ी डरने लगे थे क्योंकि कहीं भी जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर देते थे, कहीं भी किसी भी, जैसे कि वहाँ पे उनकी कुछ इबादत गाह होती थी वहाँ पे घुस जाते थे और वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, मतलब बेवजह लोगों की जान को जो है नुकसान पहुँचाते थे। अच्छा, इनका जो बेसिक मोटो था वो ये था कि इनका अपना ना एक छोटा सा ग्रुप था, मतलब इनकी जो स्टेट के लोग थे ये चाहते थे कि हम उनको इंडिपेंडेंट कर दें, उनको अपनी एक जगह, उनको अपना एक खिता, रीजन दिला दें जहाँ ये अपनी आज़ादी से जो करना चाहें कर सकें। और इनके जो सिम्पथाइज़र्स थे जिनका इनके साथ उठना बैठना था या जो इनके ग्रुप को चलाते थे वो लोग इनको सपोर्ट करते थे। अच्छा, अब इनका सर्कल चलता कैसे था? ये भत्ताखोरी करते थे, जिस जहाँ पे इनका होल्ड था वहाँ से ये लोग टैक्स लेते थे, और ब्लैक मार्केट जो आपको पता है इलीगल होती है वहाँ पे ये दूसरे ममालिक से वो लेते थे, इलीगल वेपन्स लेके उनकी सेलिंग करते थे। ओके, और इनकी सालाना जो इनकम रिकॉर्ड में आती है वो थी अराउंड कोई 200 to 300 US मिलियन डॉलर्स, व्हिच इज क्वाइट ह्यूज। फंडिंग भी तो थी ना बाहर से, ऑब्वियसली फंडिंग आती थी इनको, जो लोग सपोर्ट करते थे इस इलीगल काम में। एक तरह से 2 नंबर काम था इनका, क्योंकि ऑब्वियसली ये लीगल तो नहीं है बॉम्ब ब्लास्ट करना, दहशतगर्दी करना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इनको कुछ फंडिंग आती थी। ऑब्वियसली जो लोग इनको सपोर्ट करते थे चाहते थे कि हम उनके लिए एक अलग स्टेट दिलाएं, उनको इंडिपेंडेंट कर दें। अच्छा, फिर क्या किया कि श्रीलंका ने तंग होके आखिर पाकिस्तान को बोला कि आप इन तमिल टाइगर्स से लड़ने के लिए आप हमारी मदद करें। जापानीज पायलट्स का एक ग्रुप था कामाकाजी के नाम से, और वो ग्रुप इन्होंने यूँ क्रिएट किया था कि वो लोग सुसाइडर एक ग्रुप बन चुके थे, मतलब कि उन्होंने दुश्मन के त्यारे को गिरा के अपना त्यारा जो है वो पहाड़ी से टकरा देना था। हाँ, ये उनकी जंग हुई थी यूएसए से। अगर पर्ल हार्बर के नाम से एक मूवी भी मौजूद है, आप लोग देखिएगा, तो उसमें ये सारी चीज़ बताई गई है। उन्होंने ये जो बेसिक आइडियोलॉजी थी कि दुश्मन को मार के आपने खुद भी ख़त्म हो जाना है, तो ये जो था कामाकाजी जो इनका था पायलट्स का ग्रुप, जो कि अपना त्यारा मार देते थे दुश्मन को मारने के बाद, तो ये आइडियोलॉजी इन्होंने चुराई इन लोगों से, पायलट से जापानीज के, कि हम भी क्या करते हैं खुदकश बम धमाके के लिए जैकेट पहनते हैं और किसी भी मस्जिद में घुस जाते हैं, सॉरी मस्जिद नहीं लेकिन वहाँ पे जो भी उनकी ज़ियारत गए, स्कूल हो गए, जहाँ पे भी लोगों का क्राउड टेम्पल्स हो गया, हम वहाँ पे जाके इस तरीके से आबादी को कम करते हैं। क्या इससे पॉपुलेशन कम होगी और हमारा होल्ड लोगों पर बढ़ेगा। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि 1999 से लेके 2007 तक इनका होल्ड रहा है, और इस बीच श्रीलंका ने आखिरकार तंग होकर पाकिस्तान से कहा कि आप हमारी हेल्प करें तमिल टाइगर्स से लड़ने के ख़िलाफ़। फिर पाकिस्तान ने उनकी आर्मी को ट्रेन किया और यहाँ से $50 मिलियन के वेपन भी दिए उनको, श्रीलंकन्स को। और उसके सिर्फ यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तानी टैंक्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स तक प्रोवाइड किए। really? क्योंकि इनका होल्ड दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ये टेररिस्ट थे, तो इनसे लड़ना कोई आसान काम नहीं था कि आप टेबल के कॉर्नर बैठ के बात कर लो और ये आपकी बात से कन्विंस हो जाएंगे। बहुत सारी मूवीज भी मैंने देखी है, जो अभी आपको OTT फोरम्स पे मिलेंगी, ऐसी बहुत सारी मूवीज भी हैं। हाँ, एग्जैक्टली, और वो सीरीज आप भी पता है, तो उस सीरीज के बाद मुझे इसका बैकग्राउंड पता चला था। और आज अनम ने जितने एक्सप्लेन करके बता दिया, थैंक यू अनम, थैंक यू सो मच। अच्छा अनम, मैं एक बात इसमें ऐड करूंगी कि हम टेररिस्ट की बात करते हैं, तो इसमें आप देखें कि जब टेररिस्ट की बात आती है तो फ़ौरन से हम लोगों के माइंड बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। लेट सपोज के वो लोग रात में सोते नहीं हैं, या कुछ इंजेक्शंस लेते हैं, या कुछ ड्रग रिलेटेड ऐसी चीज़ होती है जो कि उनको सोने नहीं देती, तो वो कितनी सारी चीज़ों में अलर्ट रहते हैं। नॉर्मली कोई ऐसा जंग होती है, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट होती है, तो फ़ौरन से पता चलता है कि स्पेसिफिक जो है वो टेररिस्ट ने किया होगा, क्योंकि वो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो बॉडी है बेसिकली वो पूरी ऑटोमेटिकली, इनको बहुत छोटी उम्र से ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं, और ये कोई 1-2 लोगों का काम है, इनके पीछे पूरी कंपनीज, फर्म, इनके ग्रुप्स होते हैं जो इनको तैयार करते हैं। और ब्रेन वॉश तो मुझे लगता है किसी भी उम्र में किया जा सकता है। देन आप अगर बात करिए ड्रग्स की, तो ऑब्वियसली वो ड्रग्स लेते हैं। जब आप ये ले लेते हैं ड्रग्स, आप जब एडिक्टेड हो जाते हैं, या आप नहीं, दे आर नॉट Okay. वो एडिक्टिव नहीं होते, वो जरूरत, कोई भी बंदा आ जाए उनको ये लगेगा कि नहीं ये टेररिस्ट है, या कोई भी व्हाटएवर, वो ऑन द स्पॉट वो आपको शूट कर देंगे, क्योंकि उनका दिमाग मेंटली तौर पे वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करूँ, उन ड्रग्स की बात हो रही है जिससे जो आपको अलर्ट रखती हैं, जो बेसिकली एक ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर टाइप ड्रग्स होते हैं जो आपको कुछ घंटे के लिए, जब आपको सोना चाहिए नेचुरली, आप नहीं सोते। तो इसमें सीन ये है कि ये सिर्फ आर्मी या इन चीज़ों में यूज़ नहीं होता। आई हैव सीन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई, जो अपने स्कूल के, जो अपने एग्जाम के टाइम पर 2-2 दिन, 3-3 दिन जागने के लिए, बट दिस इज़ कम्प्लीटली नॉन हेल्दी। आप लोग सोचेगा नहीं, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम भी लेके जाग के पढ़ सकते हैं, उस जाग के पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली आपको याद भी नहीं होता। तो और पाकिस्तान में अलाउ भी नहीं, हम यहाँ पर ये भी मेंशन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग दैट, और वो पूरी 2-2 रात जाग के पढ़ते थे, और जब पेपर सामने आता तो उनको सीरियसली कुछ भी याद नहीं होता था। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो चाय से काम चलाइए, कॉफी से चलाएं। और मजे की बात बताऊं, सेब से काम चलाइए, क्योंकि एक एप्पल में बहुत कैफीन होती है। सुबह इंस्टेंट अगर आप चाय या कॉफी, यस, ओह वाओ, एन एप्पल अ डे वेक्स यू अप इन द मॉर्निंग। उसके बाद नहीं कहूंगी क्योंकि आई एम सेल्फ एज अ डॉक्टर। इसी बात पे हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, फिर राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और हमारी गपशप वापस से मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये जो पाकिस्तान ने जो हेल्प किया था श्रीलंका को, ये जो श्रीलंका पे होल्ड था इनका तमिल टाइगर्स का, 2009 में श्रीलंका ने पाकिस्तान की मदद से फाइनली उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा कर दिया। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, उसके साथ साथ मैं बताती चलूँ अपने टॉपिक का एंड करते हुए कि पाकिस्तान और श्रीलंका के रिलेशनशिप्स बहुत ऑलरेडी अच्छे थे, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छे हो गए। ये जो उन्होंने हेल्प की थी पाकिस्तान ने श्रीलंका को, तो हुआ क्या कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच एक मुआहदा हुआ है जिसके थ्रू पाकिस्तान श्रीलंका को एक बिजली पैदा करने का सिविल न्यूक्लियर प्लांट लगा के देगा, और उसके साथ साथ F-17 फाइटर जेट्स भी हमसे परचेज करने की बात चल रही है। I just want to add one thing कि पाकिस्तान और श्रीलंका बहुत अच्छे दोस्त हैं। बेशक। अर्ली 2000s में तमिल टाइगर्स जब अपने पीक पे थे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई कंट्री श्रीलंका जाने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री जो गए और उन्होंने वहाँ पे क्रिकेट खेली। लेट्स कम टू 2009। पाकिस्तान लाहौर में, श्रीलंका लाहौर में क्रिकेट खेलने आए हुए थे और वहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। वो मेहर नामी ड्राइवर था जो हमारे हीरो थे जिन्होंने बचाया पूरी टीम को। कुछ माइनर इंजरीज थी श्रीलंकन प्लेयर्स को। उसके बाद 8 ईयर्स पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। बिल्कुल। एंड इन 2017 श्रीलंका वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने कहा कि हम जाके पाकिस्तान में क्रिकेट खेलेंगे। इट्स अ बिग थिंग कि अगर हमने उनको फेवर दिया तो उन्होंने हमारी इमेज को पॉजिटिव करने के लिए एक रिटर्न फेवर दिया। सही बात है। आप तो खैर मैंने ये भी सुना है कि टर्की भी हमारी कोलैबोरेशन से, पाकिस्तान की कोलैबोरेशन के साथ F-17 और F-17 जो है वो बनाएगा। हम ड्रामे ही बना रहे हैं तुर्की के साथ। हाँ, वो तो हम बना रहे हैं। जी जी। जमाने से कर रहे हैं। वैसे हमारे सदर मुमलिकत भी अभी होकर आए टर्की से। हाँ, उनका अटायर भी बड़ा अच्छा है। एक जोक आया था कि पाकिस्तान और तुर्की कोलैबोरेशन, अर्तुगल के बाद एक कोलैबोरेशन करके ड्रामा बना रहे हैं। एग्जैक्टली। और नीचे लिखा होता अब तुर्की भी सास बहू पे ड्रामे बनाएंगे। अल्लाह ना करे। नहीं खैर ऐसा नहीं था, लेकिन सास बहू का वैसे आपने ये सही नहीं किया। उसका टेक्निकल इशू हमारा ट्रेंड नहीं है इतना। एग्जैक्टली। उसका टेक्निकल इशू कुछ बजट का आया था, उसका टेक्निकल इशू ये वाला नहीं आया था। अच्छा, सलाउद्दीन अय्यूबी। अच्छा, ये वाला, ये तो it's happening ना, it's happening, yeah, it's happening। अगर आप लोगों की सास और बहू वाली टॉपिक खत्म हो गए तो मैं भी कुछ never started। ये सास और बहू, ये क्या कह रही हैं? प्लीज, सास और बहू वाली कहानियाँ स्टार्ट हो जाती है। जरा सी इन लोगों को छूट दे देना बस, ये सास और बहू स्टार्ट हो जाते हैं। जी जी। अच्छा, यही ड्रामा से मैं एक चीज़ रिलेटेड बात करूँगी। मैं देख रही थी बहुत सारे ब्लॉगर्स इस चीज़ पर रोशनी डाल रहे हैं और बात कर रहे हैं, जो कि वैलिड पॉइंट भी मुझे लगता है। हम लोग जब भी किसी ड्रामाज में किसी का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस दिखाने लगते हैं तो हमारे जहन में एक पर्टिकुलर उसका एक पर्सोना आ जाता है कि वो बंदा ऐसा होगा। जब भी हम किसी को एलीट क्लास से दिखाते हैं तो दैट पर्सन या दैट वुमन इज यूजुअली वेयरिंग अ स्लीवलेस, दुपट्टा लेस या वेस्टर्न अटायर, तो हमें लगता है कि हाँ ये एजुकेटेड और अमीर है। एजुकेटेड एंड अमीर दोनों चीज़ें। जब हम किसी को दिखाते हैं कि दैट पर्सन इज नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या फिर इतने पढ़े लिखे स्टेटस से नहीं है, तो हम उसको दिखाते हैं वो हिजाब में है, उसने बुरका पहना हुआ है, तो हम ऐसे क्यों दिखाते हैं? और ये हम लोग देखते हैं, साथ ही हम लोग इतने स्मार्ट व्यूअर्स हैं, देखते साथ ही हम अंडरस्टैंड कर देते हैं कि कोई ऐसे आ रहा है तो उसका मतलब है इसको लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से दिखाया होगा। अच्छा, कोई वैसे आ रहा है तो इसको अमीर दिखाया होगा। अच्छा, मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग जाते हैं दिखावे पर। हमारा जो दिखावा होता है, हम लोगों को पता नहीं हमारे बैक पे क्या चीज़ें हैं। लेट सपोज हमने अबाया पहना है तो हम समझते हैं बहुत ही अच्छे ख़ानदान से कोई सही अच्छी बच्ची है। अगर हम देखते हैं कोई वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं तो फ़ौरन से हम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हर वक्त सर को कवर रखती थी। मरियम नवाज़ को देख लें। नहीं, मैं अब की बात कर रही हूँ। आप जो पहले की बात कर रहे हो, पहले में और अब में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि पहले की दौर की बात तो कुछ और थी। पहले जो था लड़कियों के साथ रेप नहीं होता था, अब के दौर में बात होते थे बहुत। नहीं, इस बात को मैं थोड़ा सा ऐसे करूंगी कि देखिए जो आपने कहा ना, रेप का ड्रेसिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले, हम तो एक छोटी सी बात, और ये पहले से होता हुआ आ रहा है। ये तो इस्लाम से भी पहले से होता आ रहा है, जब इस्लाम भी नहीं था तब से ये रेप का पहले इतनी रोशनी नहीं थी कि पहले अवेयरनेस नहीं थी। जाहिर सी बात है, वहाँ पे जिंदा गाड़ दिया जाता था लड़कियों को अगर कुछ उनके साथ हो भी जाए। सना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि देखें जो दुपट्टा है ना, इसको बहुत मिसयूज किया जाता है। ठीक है। This is what I wanted to say। बेनज़ीर मैडम, शहीद नज़ीर मैडम जब ऑक्सफोर्ड में थी तो वो दुपट्टा तो नहीं पहनती थी। Yes। When she came to Pakistan, she went into politics, तब उन्होंने दुपट्टा रखा जिंदगी भर उसके बाद, माशाल्लाह से। एंड अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे। जैसा देश वैसा भेस। हाँ जी। और दूसरी बात ये कि आप एक चीज़ देखें, जितना स्कैंडल होता है किसी लड़की के साथ इस मुल्क में, उसके स्कैंडल से पहले क्या कपड़े पहनती है, स्कैंडल के बाद जब वो इंटरव्यू दे रही होती है तो उसके सर पे दुपट्टा होता है। यही तो बात कर रही हूं ना कि और वो कौम की बेटी भी नहीं कर सकते। हां जी, और वो कहती है मैं हवा की बेटी हूं, मैं कौम की बेटी हूं कि आप जज नहीं कर सकते। आपने कुछ भी पहने, वो लड़की कैसी है, क्या उसका किरदार है, आप जज नहीं कर सकते। हमने दुपट्टे को सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ क्यों लेबल कर दिया है, इस पे आप लोगों का ओपिनियन मुझे बताइए। व्हाई इज इट रिलेटेड? लोगों को ये लगता है स्पेशली फीमेल्स को कि अगर हम दुपट्टा पहनेंगे, सर को कवर करेंगे तो हमारी जो एक इमेज है पॉजिटिव जाएगी, जो कि मासेस को जाती है। जो हमारे मासेस हैं वो थोड़े से डम हैं शायद, कि वो कहते हैं कि यार ये लड़की दुपट्टा पहना हुआ है, नहीं अच्छी सीधी दिखाई होगी, सीधी दिखाई होगी। और प्लस ऐसी भी बहुत सारी लड़कियां हैं इस इंडस्ट्री में कह लें या कहीं भी कह लें कि उन्होंने बुर्का पहन के घर से निकलेंगी, जहाँ वो अपने स्पॉट पे पहुंचेंगी वो बुर्का उतारेंगी, उनके अंदर से ऐश्वर्या राय निकल रही है। ऐसा ही है, ये होता है। ये दुपट्टा जो मिसयूज करते हैं ना, वो मेल का भी इशू है, औरतों का भी इशू है। हालांकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अगर हम एलीट या सोशो इकोनॉमिक हाई स्टेटस की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारी खवातीन हैं जो कि प्रॉपर हिजाब और प्रॉपर उसमें होती है, बड़े ग्रेसफुली सब कुछ कैरी करती हैं। हमारे टीवी ड्रामाज में जो होता है, मैं इसके स्ट्रांगली अगेंस्ट हूँ, हम लोग को इस तरह का परसोना नहीं दिखा चाहिए। हम इंटरनेशनल वर्ल्ड को क्या दिखाते हैं कि अगर आपने दुपट्टा लिया हुआ तो आप कोई लो बैकग्राउंड से या अनएजुकेटेड है, दिस इज वेरी रॉन्ग। अच्छा डॉक्टर राफिया, मैं आपके जो आपने सवाल किया उस पर मैं भी जवाब देना चाहूँगी। वो ये है कि सबसे पहली बात मुझे जो लगती है कि दुपट्टा पहनना, अबाया पहनना, इट्स योर ओन चॉइस। मतलब ये आपकी है, ये कि आप क्या पसंद कर रहे हो और क्या नहीं पसंद कर रहे हो। ये बात मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी कि हमें ड्रेसिंग से किसी की क्लास जज नहीं करनी चाहिए कि आपने अगर जो है वो शॉर्ट्स पहने या आपने थोड़ी वेस्टर्न ड्रेसिंग की है तो आप बहुत मॉडर्न हैं या आप बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, और अगर आपने सिंपल ड्रेसिंग की है तो फिर आप जो है वो इतना एजुकेटेड नहीं। मेरे ख्याल से हर इंसान की एक अपना ओपिनियन होता है और हर इंसान का, अगर हम यहाँ पे मैं बताऊँ कि एज अ मुस्लिम, जाहिर सी बात है हमारा एज अ मुस्लिम होने के नाते और उसके बाद पाकिस्तानी होने के नाते, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, तो हमारा एक हर इंसान का जो एक कल्चर होता है तो हमें अपने कल्चर को सपोर्ट करना चाहिए। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि देखिए वेस्टर्न और ईस्टर्न की बात हो रही है। आप वेस्टर्न कपड़े पहन के पाकिस्तान सबसे हाई फाई शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ पे भी आप रोड पे नहीं चल सकती लड़की। हाँ बिल्कुल, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब 1970 से पहले ईरान कैसा था, अगर आप पिक्चर्स देखें तो कितना मॉडर्न स्कर्ट्स हो रहे हैं, शॉर्ट्स हो रहे हैं, लड़कियां पहन रही हैं। बिल्कुल, बट आफ्टर ईरान का जो इंकलाब आया था उसके बाद हिजाब और वाली चीजें हो गई। बिल्कुल, आपकी वाली बात के लड़की की चॉइस है उसको दुपट्टा पहनना है, लेकिन उसने कहाँ पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे कैरी ऑफ करना है, वो मैटर करता है। मॉडर्निज्म इज नॉट अबाउट क्लोथ्स। मेरे ख्याल से हर इंसान को अपनी जजमेंट छोड़ देनी चाहिए। जो हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं ना किसी इंसान को कि भाई अगर इसने ऐसी ड्रेसिंग की तो ये ऐसा ही है, या इसने ऐसी ड्रेसिंग की है, तो हम बहुत जल्दी जज करते। हम अगर वेट नहीं करते, वेट नहीं करते। हम अगर किसी को अबाया में देख लेते हैं तो हम कहते हैं कि इसने अबाया क्यों पहना हुआ है, ये अंदर से ऐसी निकलेगी, या अगर ये मॉडर्न है तो ये नमाज नहीं पढ़ती होगी। तो ये हमारा ना सबसे बड़ी बात है। आज के मैं शो में भी कहूंगी कि हमारा जो ये जज करने का सीन है ना उसे खत्म करना चाहिए। बहुत जल्दी जज, इसमें कोई वो पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये पूरे एग्जैक्टली कि जज कपड़ों से ही किया जाता है। सबसे पहले जब आप जाते हैं तो आपका इंप्रेशन, एक्सप्रेशन यही है, आपके कपड़े, उसके बाद आपके बात करने का तरीका, फिर आपकी एजुकेशन, वो बाद में आती है। तो वो कपड़े आप पहने, ये नहीं कह रहे कि फटे हुए कपड़े पहनने, लेकिन तमीजदार। आजकल तो फटे हुए कपड़े फैशन में भी हैं ना। अच्छा, बेशक इस्लाम में कहा गया है कि आप पर्दा कीजिए, हमारे मजहब में भी ये हुक्म है, लेकिन आप किसी पे इम्पोज करके उससे पर्दा करवाएं ये कहीं नहीं लिखा हुआ। उस पर उसका स्पिरिचुअल लेवल नहीं जज कर सकते। एग्जैक्टली, एक इंसान का, हर इंसान का अपना कनेक्शन होता है अल्लाह से। कोई बहुत ही छोटे कपड़ों में भी आपके सामने ये नहीं कहेंगे कि उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है अल्लाह से, उसका अपना कनेक्शन अल्लाह ने उसको बनाया, से ज़्यादा चाहता है। हो सकता है राफिया जी जज इनका बैठा, हो सकता है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो या पढ़ता हो। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ, कुछ भी होता हो, दैट इज बिटवीन दैट पर्सन एंड अल्लाह। प्लीज never judge, never judge a book by its cover. Exactly, but people do judge. वो बुक लेने से पहले देखते हैं कि किसने लिखी है, क्या है, उसके बाद होते हैं। ये फोन है राइट, अच्छा? ये हमें सिखा रहा है कि हमने क्या पहनना है, और यही दुनिया को दिखा रहा है कि हम क्या पहन रहे हैं। हम इसी से सीख रहे हैं नए फैशन आइडियाज, और हम जो पहन रहे हैं वो हमारे फोन में जा रही है। जो भी चीज़ें हमारी ड्रेसिंग, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा कल्चर, जो हम वॉनबीज हो चुके हैं ना बाहर के फैशन और लाइफस्टाइल से, हम इम्प्रेस हैं बहुत ज़्यादा और उसको हम अपने पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो कर सकता है, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि आप वही कपड़े पहने जिसमें आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल। एग्जैक्टली, छोटी हिजाब भी हो सकता है वो, लेकिन मेरे ख्याल से हम छोटा सा जो है वो एक ब्रेक हमारा, इसके बाद हम फिर ब्रेक ले लेंगे। मैं एक छोटी सी बात कपड़ों पर ही ऐड करूँगी। मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे एक बात समझाते थे, वो कहते थे कि आपने जो पहना हुआ है वो सब देखते हैं, जो आपके पेट में आपने खाया है वो कोई नहीं देखता। बिल्कुल ऐसा ही। अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ब्रेक पे चलते हैं, सारी गपशप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। सो स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक। मैं आज एक छोटी सी एक बात ऐड करना चाहूँगी। आप लोगों के सब टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं बातें, और जो खूबसूरत सी हमारी अनम है वो बहुत ही खूबसूरत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आती हैं, जो कि हमें पता भी नहीं होता उस स्टोरीज़ के बारे में, और वाकई में बहुत मेहनत करती हैं। और थैंक यू अनम कि आप इतनी मज़े मज़े की स्टोरीज़ लेकर आती हैं, और हम लोग भी रिसर्च करते हैं। एग्जैक्टली, ये आपका टॉपिक है अनम, आज का टॉपिक नहीं, मैं थोड़ी तारीफ करना चाह रही थी अनम के बारे में। ओके, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी वो बेसिकली मैच्योरिटी है, ठीक है, कि सेल्फ मैच्योरिटी कैसे होती है। जब आप छोटे होते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता लेट सपोज हमारे ख़ानदान में या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि आपके माइंड को सेट कर देती है। मैच्योरिटी के लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं कि ये बच्चा बहुत मैच्योर हो गया है, ठीक है। माँ बाप की डेथ हो जाती है या घर में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आप बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं उस लेवल पे कि exactly. हम कहते हैं ना कि यार ये बच्चे की एज तो अभी 12 साल है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो ये मैच्योरिटी जो वर्ड है ये हम घर से ही सीखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे घर से आती हैं। आप क्या कहती हैं राफिया जी? अच्छा, मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें लगती है, चाहे बच्चा 2 साल का हो, 6 साल का हो, 18 साल का हो, 40 साल का। 40 साल का ही बच्चा होता है बाय द वे। मैच्योरिटी क्या चीज़ है? मैच्योरिटी एक वो पॉइंट है जहाँ आप सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हैं, इमोशनली सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हैं, फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हैं, जब आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए एंड यू कैन टैकल द एंटायर वर्ल्ड। वो सेल्फ सस्टेनिंग स्टेज। छोटी सी एक बात ऐड करना चाहूँगी, अब उसमें फाइनेंसेस कभी कभी नहीं भी होते तो आप खुद इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि आप हर सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। आप डिप्रेस नहीं होते, आप बच्चों की तरह रोना नहीं डालते हो, आपको सब्र भी आ जाता है, आप शुक्र भी अदा करते हो अल्लाह का। तो आप उस सेल्फ सस्टेनिंग स्टेट में रहते हो, दैट इज़ मैच्योरिटी। अच्छा राफिया जी, इसमें एक और बात भी ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग को बच्चों को छोड़ देते हैं। लेट सपोज एक मैं हूँ और मुझे छोड़ दिया गया था, और उसके बाद मैं अकेली थी और मुझे डिसाइड करना था कि ये वाला रास्ता चूज़ करना है, ये वाला रास्ता चूज़ करना है, ठीक है। तो जब हमें पता ही नहीं होता तो हम अपने रास्ते खुद ही चूज़ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हमें वहाँ से हमें नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, ये हमें उसके बाद पता चलता है। एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद आपको पता चलता है कि एक्चुअल में लाइफ क्या है। मेरा ओपिनियन ये है कि बुरा वक्त आपका सबसे बड़ा टीचर है। Exactly. वो आपको सिखाता है, वो आपको, आप 12 साल के हों, 40 साल के हों, 60 साल के हों, अगर आप पे बुरा वक्त आता है तभी आप मैच्योर होते हैं। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता और तब आप फाइट करते हैं अपनी लाइफ से, That when you become mature and you discover yourself. Yes. Exactly. Maturity के साथ आप अपने discover भी करते हो, मुझ में ये भी abilities है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी। हम पहले अपने आप को बहुत weak समझते हैं कि मुझसे handle नहीं होगा, तो मत जाना छोड़ के मैं मर जाऊँगा या मर जाऊँगी, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। तो ये मतलब I'm just telling you how. बिल्कुल सही कह रही है। अगर वाकई में actual life में आपको अगर रहना है ना, तो जब आपको कोई छोड़ के चला जाता है या माँ-बाप या family में से भी कोई चला जाता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई relationship हो और उसके बाद आपको ये problems आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली में भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि एक्चुअल लाइफ क्या है। कब पता चलता है कि एक इंसान, वो मेल और फीमेल, मैच्योर हो गया? मेरे ख्याल से जब उसके ऊपर वो सिचुएशन होती है कि उसका दिल टूटता है, जब आप कुछ चीज़ हासिल करना चाहते हो लेकिन आपको नहीं मिल पाती, उस वक्त जो आप काम कर रहे हो उससे पता चलता है कि आप कितने समझदार हैं और कितने मैच्योर हैं। वाह वाह। मुझे ऐसा लगता है मैच्योरिटी एक इंसान की शायद उसको खुद भी नहीं पता होती, कभी कभी दूसरे जज करके आपको बताते हैं दैट यू आर प्रीटी मैच्योर। हम समझते हैं कि हमारी अप्रोच हाँ बस ठीक है, लेकिन कभी कभी दूसरे आसपास की आपके सराउंडिंग, आपके लव्ड वन, आपके फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि आप मैच्योर हो चुके हैं अप्रोच में, एंड नाउ यू कैन सेल्फ। बात अगेन सेल्फ सस्टेनिंग की आ गई कि आपने सेल्फ सस्टेन, अपने आपको कितना हैंडल कर लिया, आपने फैमिली में किसी की डेथ कैसे हैंडल, आपने लॉसेस कैसे हैंडल किए, आपने ट्रॉमास कैसे हैंडल किया, आपने एक्सीडेंट कैसे हैंडल किया। ये सब चीजें जो है, ये एक इमोशनल क्वेश्चन भी होता है इंसान का, और उसकी मैच्योरिटी। और राफिया जी एक सेकंड जी, 2 सेकंड दीजिए। राफिया जी, आपने नोट किया होगा कुछ बच्चे मैच्योर होते हैं, हो जाते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो सहम जाते हैं। बिल्कुल। कि जब वो फैमिली के एक कॉन्सेंट्रेट नहीं मिलता या कोई तवज्जो नहीं देता तो बच्चे वो बिल्कुल एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। सही बात। नहीं बिल्कुल ऐसा भी होता है जिसमें बच्चे जो है कभी कभी चुप हो जाते हैं, कभी वो जिसके तरह अगर उनको समझ भी आ गई हो तो वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। ये होता है, ये बहुत सारे लोगों के साथ, ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता, ये बड़ों के साथ होता है। लेट्स सपोज एक सिचुएशन अगर हम रखें तो अगर कुछ पेरेंट्स हैं, ठीक है, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम जो हमारे पेरेंट्स हैं वो आपको एक छोटा सा गैजेट है मोबाइल वो अपने बच्चे को दे देते हैं। और ये जो है वो अभी पार्लियामेंट में भी ये बात, खैर मैं थोड़ा करंट अफेयर की तरफ जा रही हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में भी ये बात हुई थी कि आपने जो है वो पहले ज़माने में हकीकत बातें हमारी माएँ जब हमें सुला भी रही होती तो वो एक लोरी गा कर सुनाती थी हमें, और अभी जो सिचुएशन होती है उसमें आपको छोटा सा एक गैजेट दे दिया जाता है, उसमें बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा कुछ पता नहीं होता ना। अच्छा उसी चीज़ों से कुछ लोग ऐसा ये मैं इसकी बात कर, अच्छा कुछ लोग इससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि अगर मुझे एजुकेशन भी हासिल करनी है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मुझे आगे क्या बनना है क्या नहीं बनना। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं और उनका ये होता है कि वो फिर ना तो एजुकेशन सही से हासिल कर पाते हैं और ना ही, अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर हम कुछ लोगों को एक रोड दे दें, एक सिचुएशन दे दें कि एक वुमेन ऐसी ले जो कि बड़ी होकर भी अपने बाबा के साथ या अपनी फैमिली के साथ जो है वो सड़क पार करती है और एक ऐसी फीमेल जो खुद अकेले घर से बाहर जा रही है ना, तो उन दोनों में आपको बहुत बड़ा एक फ़र्क नज़र आएगा। वो जो वुमेन है वो कभी वो रोड जो है वो पार नहीं कर पाएगी, लेकिन जो जिसको आदत होती है वो कर लेगी। तो ये बड़ी बात है, सहमे में होते हैं हमेशा। जो है ना ये ग्रूमिंग की है। बिल्कुल आप चाहे बच्चे को तीसरा कलमा सुनाते हुए आप सुला रहे हो या शार्क डू करते हुए सुला रहे हो, द पॉइंट इज़ नॉट दैट, द पॉइंट इज, हाँ उस वक्त इम्पोर्टेंट सुलाना, द पॉइंट इज़ आप उस बच्चे को ओवरऑल ग्रूम कैसा कर रहे हैं। वो सिर्फ रात के 5-10 मिनट नहीं होते उसमें, ये पूरे दिन की कहानी है, ये सालों की कहानी है, जब से बच्चा पैदा हुआ, बल्कि जब से बच्चा पैदा नहीं भी हुआ तब से ये कहानी है, मतलब तब से चलता आ रहा होता है एक सीक्वेंस जो एक माँ अपने बच्चे को ट्रेन कर रही होती है। इसमें सिर्फ माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसमें फादर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस बच्चे के बड़े बहन भाइयों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दादा दादा नाना नानी इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अकेली एक माँ को उस स्पॉट पे लाके ब्लेम कर देना, आई एम सॉरी आई वाज वेरी मच अगेंस्ट दैट पोस्ट, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट पोस्ट, क्योंकि मैं अपने बच्चों को जब सुलाती हूँ आई नो ये किस तरह की वॉर है, ये बड़ी बहुत मुश्किल स्टेट होती है बच्चे को एक्चुअली नहीं जी ऐसा कुछ नहीं करता। बच्चे को सुलाना जो है वो हम सबके लिए एक एग्जाम होता है, हर रात होता है, तो उसमें बच्चा जिस चीज़ में कंफर्टेबल होता है आप उसको उससे सुलाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ग्रूम नहीं कर रहे हैं। आई एम सॉरी आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट, जो आपने भी बात की ना पार्लियामेंट वाली भी जी, लेकिन वो बात आप समझी नहीं। जो मैं बात कहना चाह रही थी वो ये है कि आप उस एज में बच्चे के हाथ में एक गैजेट दे देते हैं जब उसे पेरेंट्स की अटेंशन की जरूरत है, ये मेरा पॉइंट। टाइम है किसके पास? नहीं 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 नहीं, लेकिन हमें देनी चाहिए। देखिए अब जब आपके पास बेबी के लिए टाइम है तो सर नहीं नहीं नहीं, एक बात में यहाँ ऐड करना चाहूँगी, ज़माना हर बार डिफरेंट होता है। जब हम लोग पैदा हुए थे तो हमारे वक्त में गैजेट्स नहीं थे, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारी माएँ काम नहीं करती थी, हमारी माएँ काम करती थी, हमें छोड़ के वो किचन में जाती थी, हम तब अटारी खेलते थे, तब हम साइकिल गेम्स खेलते थे, तब हम आपस में बातें करते थे, तब भी हमें सब कुछ करते थे। आज एक बेचारे एक चीज़ के पीछे क्यों पड़ गए? आज अगर टेक्नोलॉजी है और अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट, बच्चा उससे बहुत कुछ सीखता है, शायद वो इससे, मुझे लगता है पर्सनली बिकॉज आई हैव सीन इट माय सेल्फ, इससे वो ज्यादा सीख रहा होता है देन माँ बैठ के बता रही हूँ बेटा टू कम उम्र में अगर आपके हाथ में बहुत सारी चीजें आ जाए तो आप सीखते कम है बिगड़ते ज्यादा है। अच्छा सना, मैं आपकी और राफी जी आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ, लेकिन ये जो उर्शिया टॉपिक लाई है मैच्योरिटी का, इसके बारे में मैं अपना 1-2 मिनट का ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी क्योंकि हमारे शो का वक्त भी खत्म हो रहा है, तो मैं बिल्कुल अपनी थोड़ी सी फीडबैक दूंगी इसके बारे में कि मुझे कैसा लगता है और मेरी क्या राय इस बारे में। मुझे लगता है कि मैच्योरिटी का ताल्लुक एज या नंबर या डिजिट से कुछ नहीं होता, क्योंकि एक छोटा बच्चा है अगर और उसके साथ कोई कम उम्र में कोई हादसा हो गया है तो उसके दिमाग में वो जहन नशीन जिस तरीके से हो जाएगा वो एक बड़े इंसान के साथ अगर हो तो वो उसके लिए इतना मुश्किल और तकलीफ देने होगा जितना उस बच्चे के लिए होगा। तो ऐसे हादसात आपको मैच्योर कर देते हैं और मुझे लगता है कि आपको ज़िंदगी के तजुर्बे बहुत मैच्योर कर देते हैं। मैंने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं वो अपनी 30 में 40 में भी इतने मेच्योर नहीं है, बहुत बचकाना उनके शौक और ज़िंदगी गुजारने का तरीका। लेकिन वो अगर मैंने उसके साथ साथ 18-20 उम्र के बच्चे देखें वो बहुत मेच्योर हैं, अपना घर चला रहे हैं, उनको पता है कि मुझे ये करना है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये डिसीजन गलत है। सो ये सब मुझे लगता है इसका उम्र से ताल्लुक नहीं, इसका आपकी ज़िंदगी का एक्सपोजर, किन में आप उठ बैठ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आपके साथ क्या हालात वाक़ियात हो रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि दुनिया जहाँ की मेच्योरिटी आपके अंदर आ जाए लेकिन आपके अंदर जो एक बच्चा होता है उसको कभी नहीं मानना। हकीकत बात है। बिल्कुल, ज़िंदगी 4 दिन की है, मुझे लगता है कि हमें हंसते मुस्कुराते गुजारना चाहिए, दिल में कोई दुख कोई गम कोई बोझ लेके नहीं चलना चाहिए। इंसान को तो अगले वक्त का भी नहीं पता होता है, तो इतने आगे का बोझ लेके क्यों चलना। इसी खूबसूरत बात के साथ मैं अपने शो की एंडिंग करूंगी। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।